हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं मिसलेनियस का प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू आप देखेंगे वो है वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। सपोज द इंटीग्रल इज इक्वल टू आई। सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए वी शुड रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को देखिए कैसे रैशनलाइज करेंगे। वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू, रैशनलाइज करते हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। अब न्यूमरेटर क्या होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। एक्स एक्स गेट कैंसल्ड। अब डिनोमिनेटर है आप देखिए वन अपॉन ए माइनस बी, देयरफॉर इट कैन बी टेकन कॉमन, वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन। इंटीग्रल विल हैव एक्स प्लस ए टू द पावर वन बाय टू माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2 dx। और अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंटीग्रल के लिए, ax प्लस b टू द पावर n dx इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n शुड नॉट बी माइनस वन, बिकॉज इफ एन इज माइनस वन डिनोमिनेटर विल बी जीरो, एंड इफ डिनोमिनेटर जीरो देन इट विल बी ऑफ नो यूज। तो इसमें आप ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो यू विल फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल निशान हटा दिया हमने, एक्स प्लस ए टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू, इसमें एक और चीज आएगी कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज ए, पर इस क्वेश्चन में यू कैन सी व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज 1, इफ नथिंग इज देयर इट मींस 1, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, और हमने इसका यूज किया, तो यू कैन कोट दिस, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। अब आप देखिए 1/2 प्लस 1 इज व्हाट, 2/3/2 एंड दिस इज 1/2 प्लस 1 3/2, जब ये 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो इस तरीके का होगा 2/3 ए माइनस बी, इंटीग्रल इसका होके एक्स प्लस ए इसका इंटीग्रल होके ये आया जिसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2 प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। सो फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। बड़े आसान तरीके से हमने इसको आपने देखा कि किया, रैशनलाइज किया, और रैशनलाइज करने के बाद
आराम से इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो